हेलो, नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ, और उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, उस पर आपको फ्री नोट्स, फ्री करंट अफेयर्स, डेली नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद अबाउट में जाके कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद आज हम बात करते हैं DSSB से जुड़ी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। काफ़ी फ्रेंड्स के मेरे पास बार बार क्वेश्चन आते हैं कि जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है DSSB के अंदर वो क्या होता है। जो दो दो पार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे PRT के एग्जाम है, 100-100 मार्क्स के दो पार्ट्स होते हैं, कि अब दोनों पार्ट्स में मिला के मार्क्स चाहिए या अलग अलग पार्ट्स में क्वालिफाई होना पड़ेगा, तो इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ DSSB के अंदर क्या होता है, दोनों पार्ट्स में अलग अलग क्वालिफाई होना पड़ता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या जो अदर स्टेट के SC और ST हैं उनको वहाँ पे जो रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद जो OBC हैं अदर स्टेट के, क्या उनको दिल्ली के अंदर OBC में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, तो पहले इनके बारे में ही बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो अदर स्टेट के OBC हैं वो दिल्ली में OBC में काउंट नहीं होंगे, OBC सिर्फ दिल्ली के ही काउंट होंगे। SC और ST अदर स्टेट के भी दिल्ली में SC और ST में काउंट होंगे, ठीक है। इसके बाद जो जनरल हैं और OBC अदर स्टेट के, वो दिल्ली में जनरल में काउंट होंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं दिल्ली के अंदर क्या होता है, कई बार जो OBC की कट ऑफ है वो SC और ST से भी नीचे चली जाती है। तो इसका रीजन क्या है कि जो दिल्ली के OBC हैं उनको ही OBC में काउंट किया जाता है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हम PRT की ही बात करें और इस तरह के और भी जो एग्जाम है, जो जनरल होता है उसको 40% मार्क्स दोनों पार्ट में, 40 एक पार्ट में, 40 दूसरे पार्ट में, मतलब जो 200 नंबर का पेपर है उसमें 40 एक में और 40 दूसरे में, दोनों में होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक में 50 आ गए और एक में 39 हो गए, तो इस तरह वो उसका दो जो मतलब वो वैलिड नहीं होगा और वो फेल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोनों में 40-40 अलग होने चाहिए, सबसे पहले तो ये कट ऑफ है, और इसके बाद फिर कट ऑफ कितनी जाती है वो अलग बात होती है। इसके बाद बात आती है जो OBC हैं दिल्ली वाले, क्योंकि अदर स्टेट के OBC तो जनरल में काउंट होंगे, जो दिल्ली के OBC हैं उनको 35-35 मार्क्स चाहिए, मतलब 35 होने चाहिए, 35 से प्लस चाहिए दोनों में, एक में भी अगर कम होते हैं तो वो क्वालिफाई नहीं होगा। ऐसे ही SC और ST की बात करें तो 30-30 मार्क्स दोनों पार्ट्स में होने चाहिए, अगर किसी में भी 29 हो गए और चाहे एक में 99 हो जाए तो वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज करो कट ऑफ पहुंच गई, जनरल की कट ऑफ होगी 90 मार्क्स की, ठीक है, और किसी जनरल के एक में तो 60 मार्क्स हैं, दूसरे में 35 मार्क्स हैं, तो 95 मार्क्स हो गए उसके, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं एक में 35 हैं वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, चाहे कट ऑफ से भी ऊपर मार्क्स आ रहे हैं लेकिन दोनों में क्वालिफाई पहले करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई, ये आपके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया, जो अदर स्टेट के SC और ST होंगे उनको रिजर्वेशन मिलेगा वहाँ पे, OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो जनरल वाले हैं और OBC वाले हैं वो दिल्ली के अंदर DSSB के अंदर, अदर स्टेट के जो जनरल और OBC हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ आई होंगी, और भी अगर आपके कुछ ऐसे कमेंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो दूसरा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके लिए स्टडी हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसे आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, तो इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, यही अपडेट थी, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड सब्सक्राइब आवर सेकेंड चैनल, थैंक यू।